shows the many facets of the Indian freedom struggle from the vantage point of Netaji Subhash Chandra Bose as the central character. There are 125 stories of Netaji, and that celebrates the 125 years of his magnificent life. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और संस्कृति मंत्री और तमाम गणमान्य अतिथि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री विक्टोरिया मेमोरियल के उत्तरी द्वार से इस प्रांगण में प्रवेश उन्होंने किया और यहां पर पराक्रम दिवस जो कि भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय ने ऐलान किया था कि अब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पूरा भारत पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा तो आज पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित किया गया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं इंडीड प्राइम मिनिस्टर द ग्रीटिंग performers who will be performing at a cultural event later in the day greeting everyone who is going to be part of this wonderful celebration which commemorates the beginning of 125 years of remembering Subhash Chandra Bose's contribution to the Indian freedom struggle and here the Prime Minister is entering the exhibition hall Subhash Chandra Bose is considered as a defiant nationalist. The word Netaji was given to him by Indian soldiers and it has remained since then. And he inspired great deal of courage. And that is why today is being called Parakram Diwas. It's celebrated in order to honor and remember Netaji's indomitable spirit. Pradhan Mantri Shri Narendra Modi Netaji ki तस्वीर के सामने पुष्पांजलि आदरांजलि अर्पित करते हुए और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल उन्होंने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने कहा था कि मेरे पास एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है भारत की आजादी उन्होंने कहा मेरे पास एक लक्ष्य है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं आज से यहां पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जा रहा है ये प्रदर्शनी कुल मिलाकर 2 साल चलेगी और 2 साल तक ये प्रदर्शनी यहां रहेगी प्राइम मिनिस्टर हैज एंटर्ड द एग्जीबिशन हॉल एंड ही पास्ड अ फ्रेम व्हिच शोड जय हिंद रिटन इन बंगाली एंड We must remember the importance of the word Jai Hind. It comes from the Indian National Army, was made popular by Subhash Chandra Bose and has been adopted, of course, by India and the government of India. Jai Hind. It dates back to a statement made by Subhash Chandra Bose, which refers to the duty of the people of the country to pay for freedom with blood. The freedom that we win through our sacrifices, we shall be able to preserve with our own strength. Give me blood and I will give you freedom. Jai Hind. Victoria Memorial mein jis pradarshini ko ayojit kiya gaya hai, jo pradarshini yahan par Netaji se judi jis pradarshini ko yahan shuru kiya gaya hai, uska शीर्षक उसका नाम दिया गया है निर्भीक सुभाष ये प्रदर्शनी 2 वर्ष तक यहाँ रहेगी और इस प्रदर्शनी में नेताजी से जुड़ी तमाम स्मृतियां संजो कर रखी गई हैं
यह प्रदर्शनी एक इंटरैक्टिव प्रदर्शनी है जहां नेताजी के बारे में बहुत खास 125 जानकारियां जुटाई गई हैं, क्योंकि आज से नेताजी की 125वीं जयंती के कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है और इस प्रदर्शनी में नेताजी से जुड़ी 125 जानकारियां जुटाई गई हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये एक इंटरैक्टिव प्रदर्शनी है, बहुत सी जानकारियां सवाल जवाब में दी गई हैं। जैसे क्या आप जानते हैं कि टाइम मैगजीन ने कब नेताजी को अपने मुखपृष्ठ पर प्रकाशित किया था, और उसका उत्तर आपको यहां प्रदर्शनी में मिलेगा। 7 मार्च 1938 को टाइम मैगजीन ने नेताजी को अपने मुखपृष्ठ पर प्रदर्शित किया, और टाइम मैगजीन का वो मुखपृष्ठ आप यहां इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षीय चुनाव में नेताजी ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को कितने वोट से हराया था, क्या आप जानते हैं? और उसका जवाब भी आपको यहां इस प्रदर्शनी में मिलेगा, और उत्तर है 197। इस तरह की तमाम जानकारियां नेताजी के बारे में इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई हैं। Indeed, this exhibition is being put in place so that the youth can be inspired to act with fortitude and have patriotic fervor, much like the indomitable spirit and selfless service to the nation of Netaji Subhash Chandra Bose. The word fortitude is another word for strength, but it comes from the strength of willpower and the strength of the mind, which gives strength over all challenges, to overcome all challenges. There are several stories that one can see of Netaji's life in this exhibition, and many artifacts have been very well preserved and displayed. Amongst them is the election of Netaji in 1938 as the President of the Congress, and the Declaration of Independence on January 26, 1938, on this day, and the people, or tens of thousands of people across the country in 1938 on January 26 took this pledge. We believe that it is the inalienable right of the Indian people, as of any other people, to have freedom and to enjoy the fruits of their toil. The British government in India has not only deprived the Indian people of their freedom, but has based itself on exploitation of the masses and has ruined India economically, politically, culturally, and spiritually. India must sever the British connection and attain complete independence. Purna Swaraj. Purna Swaraj was what Subhash Chandra Bose asked for. मुझे लगता है कि नेताजी को चाहने वाले, नेताजी को पसंद करने वाले लोग भारत में सारे ही मुझे लगता है कि जितने भी नागरिक हैं भारत के, इस देश के जितने भी देशवासी हैं, वो सभी के लोकप्रिय नेता थे, और उनके बारे में शायद ही कोई जानकारी ऐसी है जो आपको इस विक्टोरिया मेमोरियल के म्यूजियम के अंदर नहीं मिले। उनके बारे में एक एक जानकारी संजो कर रखी गई है अंदर। आज़ाद हिंद फौज की मदद कौन करता था, कैसे करता था, इस तरह की जानकारी भी है वहाँ पर उपलब्ध है देश प्रेमियों के लिए, नेताजी के प्रेमियों के लिए, कोलकाता वासियों, या मैं कहूँ कि पूरे विश्व के पर्यटकों के लिए यहाँ सारी जानकारी एकत्रित की गई है। आज़ाद हिंद फौज को भारत की जनता अपने आभूषण बेच कर, ग्वाले जो थे वो अपनी गाय और भैंस बेच कर उन्हें सहयोग दिया करते थे, इस बात की चर्चा आपको इस प्रदर्शनी में लिखित रूप में दिखाई देगी। इस प्रदर्शनी का जो मकसद है वो यहाँ पर लिखा गया है कि यह प्रस्तुति नेताजी के जीवन की सामान्य जीवनी नहीं है, बल्कि इस स्थायी प्रदर्शनी का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक तथ्यों के प्रति उत्सुकता उत्पन्न करना भी है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य
जिनके प्रति अब तक आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन उदासीन रहा है। यद्यपि यहाँ राष्ट्र निर्माण में नेताजी के उन अतुलनीय योगदानों पर भी प्रकाश डाला गया है जिन्हें हम पहले से ही जानते हैं। नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उनकी 125 कहानियां संकलित की गई हैं। वो नेताजी जिनको कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में अब तक वो जगह वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो वास्तव में अधिकारी हैं। वो नेताजी जिन्होंने भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में इतिहासकारों ने नेताजी को उस तरह से याद नहीं किया। उनके पराक्रम, उनके साहस, उनकी वीरता को किताबों में, इतिहास की पुस्तकों में वो जगह नहीं मिली जिसके वो वास्तव में अधिकारी हैं। और इसीलिए इस प्रदर्शनी का एक मकसद, एक उद्देश्य ये भी है कि नेताजी के बारे में देश की युवा पीढ़ी, देश के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नेताजी के बारे में उन्हें जानकारी मिल सके। Indeed, the Congress had adopted the motto of Purna Swaraj under the presidentship of Netaji Subhash Chandra Bose. And one must understand the relationship that he had with Gandhiji, even though he defeated the candidate of Gandhiji in the elections for the Congress president's post. He respected Gandhiji very much, and he even said that he has never seen a leader ever who had the kind of mass appeal that Gandhiji had. But he deferred with Gandhiji on the process of achieving independence of the country, and he did not quite believe that that was non-violence was enough to win independence. You needed to have more than non-violence, and that is why he started the Forward Bloc. And we can see that this is a projection on the walls of the inner walls of the Victoria Memorial, which are all white. And these walls depict now almost in a cinematic mode projections of videos of the lives and films that have been taken from the archives of Subhash Chandra Bose, his addresses to the Indian National Army. There are even recordings of his voice, his radio addresses. There are transcripts of some of the radio addresses that he made. We remember that he formed the Azad Hind Forge when he was out of the country, when he had escaped from the country, when the British were after him on charges of sedition. मैं दर्शकों को पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दस्तावेजों की चर्चा की जा रही है, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं की चर्चा की जा रही है। बट यह भी मैं बताना जरूरी समझता हूँ, आपको आवश्यक लग रहा है मुझे बताना, कि इन दस्तावेजों के साथ साथ यहाँ उनके जीवन काल से जुड़े पत्रों का, उनके जो कोर्ट के जजमेंट्स होते थे, उनके जो पदक होते थे आज़ाद हिंद फौज के, डाक टिकटें जो निकाली गई थी आज़ाद हिंद फौज के साथ साथ, जो मुद्राएं काम में आती थीं, और उनके जीवन से मैं यह कहना चाहूँगा कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। यहाँ तक कि उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला चश्मा भी आज यहाँ देश के पास धरोहर है, और आप आने वाले समय में प्रदर्शनी में इसका अवलोकन कर सकते हैं। इस वीर सेनानी की गाथा देश का हर नौजवान जानने को सदैव उत्सुक रहता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कॉलेज में एक अंग्रेजी प्रोफेसर द्वारा भारतीय छात्र को सताए जाने की घटना से नेताजी का खून खौल उठा, और इन्होंने स्वयं को देश की आज़ादी के लिए समर्पित करने का निर्णय ले लिया, और 38 करोड़ भारतवासियों को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया। अपने जीवन काल में 11 बार जेल जाने वाले नेताजी सिर्फ वीर ही नहीं, सारे भारतवासियों के दिलों पर राज करते थे, और आज भी करते हैं। अपने जीवन काल में कई बार ये अनशन पर बैठे, अस्वस्थ भी हुए, फिर भी इन्होंने अपना संघर्ष निरंतर जारी रखा और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए।
Indeed, the British had placed Subhash Chandra Bose under house arrest, but he escaped in 1940 and reached Germany in 1941. And in fact, there is the headlines, there is a capture of the headlines of the Hindustan Times on the day that he disappeared, and it says that Netaji Bose disappears, Subhash Bose disappears, and you know, the headlines say it all. And of course the items mention that, you know, that he disappeared and he was nowhere to be seen. And then his advocates were trying to plead in court about his disappearance, and they had, you know, they said that he's nowhere to be found, and he was of course on his way to Germany. And in Germany he established the Free India Center, the Azad Hind Radio, and from Berlin he himself used to broadcast. और इस वक्त मुख्य समारोह स्थल पर प्रधानमंत्री प्रदर्शनी स्थल का अवलोकन करने के बाद पहुंचे हैं, और यहां पर उपस्थित लोगों का उन्होंने अभिवादन किया, हाथ हिलाकर उनको प्रणाम करते हुए। और जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अवलोकन स्थल पर, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, लोगों ने उनका स्वागत किया तालियां बजाकर। यहां पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया।